खबर अमृतपाल सिंह के नाल जुड़ी हुई है। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर का बयान सामने आया। एक हिंदी अखबार के छपी रिपोर्ट के अनुसार उसका कहना है कि वह अमृतपाल सिंह का साथ कदे नहीं छड़ेगी। उसके वालों एक बयान दिता गया, उसका कहना है कि वह अमृतपाल सिंह का साथ कदे भी नहीं छड़ेगी। उसका कहना है कि उसनू नहीं पता कि अमृतपाल कित्थे है, उसकी उस नाल काफ़ी समय तो गलबात नहीं हुई है। उसका कहना है कि उसने अमृतपाल के लिए अपना परिवार अपनी नौकरी छड़ी है, तो हुण वह अमृतपाल नू इस हालत दे विच कदे भी नहीं छड़ेगी। अजिहा बयान उसके वालों दिता गया। नाल ही उसका कहना है कि उसने दसिया कि उन्हों का संपर्क किवें होया सी। उसका कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को मिले सके, इंस्टाग्राम से दोवें जड़े ने एक दूसरे को मिले। उसका कहना है कि अमृतपाल सिंह जड़ा सिख प्रचार दियां वीडियोज़ पाँदा हुंदा सी, धर्म प्रचार दियां वीडियोज़ पाँदा सी, जिसके जरिए वो दोनों की मुलाकात हुई। इस दे नाल ही उसका कहना है कि वह भी काफ़ी अध्यात्मिक विचारों वाली है, उसने कभी भी नॉनवेज या ड्रिंक नहीं किया, जिस यही कारण है कि वह एक दूसरे के संपर्क में आए तो उन्हों का विआह हो गया। उसका कहना है कि जो इंस्टाग्राम से वह मिले से तो उसनों नहीं सी पता कि उसका अमृतपाल सिंह के नाल विआह हो जाएगा। उत्थे ही उसने यह भी कहा कि उसनों नहीं पता कि अमृतपाल कित्थे है, उसके अमृतपाल के नाल कोई भी गलबात नहीं हुई है, काफ़ी समा हो चुका है। इस दे नाल ही उसने अपने परिवार के बारे गलबात करते दसिया कि उसका परिवार जोड़ा 1951 दे विच यूके शिफ्ट हो गया सी। उस तो बाद उसका कहना है कि उसका परिवार जोड़ा है वो सिख प्रचारकों के विचों नहीं है, पर फिर भी वो जोड़ा है 12 साल की उम्र तो ही गुरुद्वारा साहिब के नतमस्तक होती रही है। लगातार गुरुद्वारों के अक्सर वो जोड़ा नतमस्तक हो जाती सी। इस दे नाल ही उसका कहना है कि उसने अमृतपाल सिंह के लिए अपना परिवार अपनी नौकरी छड़ी है, तो अमृतपाल सिंह नू किसी भी हालत दे विच नहीं छड़ेगी, उसका साथ वो किसी भी हालत दे विच नहीं छड़ेगी। अजिहा बयान जोड़ा उसकी पत्नी किरणदीप कौर वालों दिता गया। एक हिंदी अखबार के बयान उसका छपया, जिस उसके वालों अजिहियां गल्लां जिहड़ियां ने सांझियां कीतियां गईयां ने कि उसका मेल अमृतपाल सिंह दे नाल किवें होया, उसके परिवारिक पिछोकड़ की है, तो इस नाल ही अमृतपाल सिंह कित्थे है उसके वालों उस बारे भी उसके वालों गल की गई कि उसको नहीं पता कि अमृतपाल सिंह कित्थे है, उसकी मुलाकात उसकी गलबात जी अमृतपाल सिंह दे नाल नहीं हुई है। इस दे नाल ही उसके वालों यह भी कहा गया कि अमृतपाल सिंह दे नाल कदे भी किसी प्रोग्राम दे विच नहीं सी गई, क्योंकि अमृतपाल नहीं चाहता सीगा कि उसको अमृतपाल सिंह के नाल पछाणिया जाए या भविख दे विच उन्हां नूं कोई मुश्किल आए। इस दे नाल ही उसका कहना है कि वह पंजाब दे विच ही रहणगे, अजिहा फैसला उन्होंने वालों कदे भी नहीं लिया गया। उत्थे ही दस्सिए कि अज लगातार 11वां दिन है अमृतपाल सिंह की भाल जी जा रही है, हले तक नहीं पता अमृतपाल सिंह कित्थे है। वख-वख लोकेशन दसिया जा रही ने कि अमृतपाल सिंह की लोकेशन कदे दसिया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह जलंधर तो लुधियाना गया से, लुधियाने तो शाहबाद गया से, जिस तो बाद एक होर लोकेशन सामने आया कि दिल्ली दे विच वेख्या गया है, पटियाला दे विच वेख्या गया। हुण एक नवी सीसीटीवी फुटेज एक सामने आ रही है जिस दे विच दस्या जा रहा है कि अमृतपाल सिंह नज़र आ रहा है उत्थे दस दिए, पर फिलहाल अमृतपाल की एग्जैक्ट लोकेशन की है किसी नूं नहीं पता, इसकी जानकारी किसी नूं नहीं है। पर उत्थे ही दस दिए कि हाई कोर्ट दे विच एडवोकेट जनरल वालों कहा गया कि अमृतपाल सिंह दे असीं काफ़ी नज़दीक हाँ, उन्होंने वालों अजिहा जवाब जिहड़ा है हाईकोर्ट दे विच दित्ता गया। उन्होंने कहना है कि असीं अमृतपाल दे काफ़ी नज़दीक हाँ। उत्थे ये दस दिए कि वख-वख लोकेशनस जिहड़ियां ने दसियां जा रही ने वख-वख सूबियां दे विच इस समय अलर्ट किया हो, तो उत्थे ही अज लगातार 11वां दिन है अमृतपाल सिंह गिरफ़्तार नहीं हो पाया, अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त तो बाहर चल रहा है।